अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, फोन टैपिंग का मामला और बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से पुनीत राव को, जो डीएसपी था, जब उसको गिरफ्तार किया गया तो ये सारा मामला सामने आया था कि कैसे वो बीआरएस पार्टी के लिए काम कर रहा था और कांग्रेस के बड़े लीडर्स, सीएम और कई बड़े जर्नलिस्ट और कई ऐसे हॉनेस्ट ऑफिसरों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे ये लोग। और फोन टैपिंग के कराने का मकसद यही था बीआरएस पार्टी का कि कौन कहां पर इलेक्शन में रुपये ले रहे हैं, रुपये दे रहे हैं, रुपयों का मामला हो रहा है, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और फिर एक बार बीआरएस पार्टी इख्तदार में आए। इस तरह से ये सारा प्लान चल रहा था। लेकिन जब कांग्रेस हुकूमत इख्तदार में आई, इसके बाद भी कुछ फोन टैपिंग किए जा रहे थे, तब इंक्वायरी बिठाई गई, तो जब जाकर ये सारे नाम सामने आए। पहले से ही पुनीत राव, भुजंगा राव, त्रिपति अन्ना पुलिस कस्टडी में थे और अब बंजर हिल पुलिस ने टास्क फोर्स डीसीपी राधा किशन राव, जो रिटायर हो गए थे जैसे कांग्रेस हुकूमत आई, तब वो रिजन दे चुके थे और रिटायरमेंट ले चुके थे, उनको गिरफ्तार किया गया। इनके अलावा गट्टू मल्लू, जो इंस्पेक्टर टास्क फोर्स थे और फिलहाल पोचाराम पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा पुनीत राव का ड्राइवर को भी हिरासत में लिया गया। तीनों से पुलिस बंजारा हिल्स पूछताछ कर रही है, यानी ये फहरिस्त लंबी होने वाली है और कई पुलिस ऑफिसर्स इसमें आने वाले हैं, कई बड़े नाम होंगे जो इस तरह से गैर कानूनी तरीके से काम किया गया है। बड़ी अफसोस की बात है, जिनके पास पावर होता है वो किसी का भी फोन इस तरह से टैप नहीं कर सकते। ये क्राइम है, ये जुर्म है, लेकिन खुलेआम इस जुर्म को, इस क्राइम को, इस इलीगल काम को ये सारे पुलिस ऑफिसरों ने किया। इसकी सजा इनको जरूर मिलेगी और बहुत देर तक, बहुत लंबा सलाखों के पीछे इनको रहना पड़ेगा। नाजरीन, एक आम आदमी का भी फोन टैप आप नहीं कर सकते जब तक कि उसकी इजाजत ना हो, या फिर ऐसे कोई वाकई में वो मुलविस ना हो जिसमें आपको लगता है कि जरूरी है उसका फोन टैप करना, वो भी कोई बड़े ऑफिसर्स की परमिशन लेकर इस काम को करना होता है। लेकिन यहाँ पर खुलेआम अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए ये काम को अंजाम दिया गया है, इसलिए अब तेलंगाना पुलिस संजीदा है। और कैसे ये पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, कितने पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं, इस क्राइम में कौन कौन मुलविस हैं, ये तमाम की अब तहकीकात की जा रही है। शिक्षा के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद।